विवाह स्वाहा के साथ कर दिया कि अब तुम धर्म पत्नी हो गई, पति जो भी कमा कर लाएगा तुमको ला कर देगा, तुम उसको ले जाकर पुण्य बना। बहुत सुंदर प्रसंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। पूंजी कोई अपने साथ में ऊपर लेकर नहीं जा सकता। आप में से कितने लोग हैं जो विचार कर बैठे हो कि फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और डनलप का गद्दा, एसी का रूम सब लेके जाऊंगी। अरे बोलो, थोड़ा आग्रह कीजिए जी, कोई ले जाएगा? नहीं। जो लाकर में सोना चांदी हीरा पन्ना धरा है वो ले जाओगे? नहीं। जो वस्त्रों से अलमारियां भरी हुई हैं वो लेकर जाओगे? नहीं। पूंजी कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता, पर ये कथा कह रही है कि पूंजी का पुण्य बनाओ तो पुण्य अपने साथ जा सकता है। पूंजी नहीं जाए, पूंजी का पुण्य बना कर जाए। और जब पूंजी का पुण्य बन जाए, स्वाहा देवी से कहा कि अब तुम्हारा पति जो कमा कर लाएगा वो तुम उसमें से भाग देना। तो जब भी यज्ञ होता है तो यज्ञ में यही कहा जाता है, ओम विष्णवे स्वाहा। स्वाहा का मतलब है कि हमने उस अग्नि देवता की पत्नी का आह्वान कर उसको ये भाग दे दिया और उसको ले जाकर दे दिया। उस भाग को वहां तक लेकर जाने का यदि कोई क्रम है, पहुंचाने का यदि कोई क्रम है, तो वो हमारे पुण्य। बाजार में बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। बोलो तो सही है कि गलत है? एक पाप रूपी प्रोडक्ट भी मिलता है। पाप रूपी प्रोडक्ट बहुत सस्ता होता है। व्यक्ति जब पाप करता है तो उसको लगता है हाँ कर लो, क्या रखा, चोरी कर लो, कुछ निंदा कर लो, चुगली कर लो, बुराई कर लो, उसको मार दो, कूट दो, अपशब्द कह दो, ताने दे दो, गाली दे दो। तो पाप रूपी जो प्रोडक्ट है वो बाजार में बहुत मिलता है, सस्ता मिलता है और कोई भी दे देगा। पर पाप रूपी प्रोडक्ट मिलता सस्ता है, पर इसका भर, इसको लौटाने में जो तुमने खरीदा है इस पाप रूपी प्रोडक्ट को सस्ते में, उसका मूल्य चुकाने में ना जाने कितनी कितने जन्म बीत जाते हैं। मात्र मूल्य चुकाना, उस प्रोडक्ट का मूल्य, उस पाप का मूल्य, ना जाने कितने कितने जन्म हमारे निकल जाते हैं। एक बार भगवान शिव पार्वती को देख रहे थे, और माता पार्वती भगवान शंकर के साथ में आनंद करती हुई आज बाबा धाम में घूम रही थी। बाबा धाम मतलब वेदना, कौन सा धाम जम के बोलिए, वेदना। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं मृत्यु लोक पर, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, विश्वनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन आदि का अधिक, नागेश्वर, केदारनाथ, ये जितने ज्योतिर्लिंग हैं। तो कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि महाराज ये ज्योतिर्लिंग जो हैं ये इसका प्रमाण क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है? भाऊ ध्यान दीजिए बहुत इस बात का कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, और अपनी जिंदगी में उतार कर रखना बहुत सुंदर बात, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता, जिस ओटले पर शंकर जी बैठे हो और कोई पानी तक नहीं चढ़ाता, जिस मंदिर में भगत बहुत कम मात्रा में जाते हो, जो मंदिर जंगल में हो, जो मंदिर वन में हो, जो मंदिर भले पास में है पर कोई जाकर उस पर एक लोटा पानी ना चढ़ाता हो, शिव महापुराण की कहती है उस मंदिर में आपको जाना चाहिए, उस मंदिर में आप पहुंच जाओ। और प्रतिदिन, प्रतिदिन नहीं तो एक दिन
उस मंदिर में जाकर अभिषेक कर कर पूजन कर कर जल चढ़ाकर, आपके पास में दूध दही शहद शक्कर नहीं भी है तो जल चढ़ाकर पूरे मंदिर को साफ कर कर भगवान शिव का श्रृंगार कर कर आ जाओ। ये उतना ही पुण्य मिलेगा जितने 12 ज्योतिर्लिंग पर जाकर आप शंकर का अभिषेक पूजन करेंगे, उससे भी हजार गुना पुण्य किसी नजदीक के दूर के पास के किसी भी शिवलिंग पर जहां कोई ना जाता हो, जहां एकांत में शंकर बैठे हुए हैं, शिवलिंग विराजमान है, कोई आकर जल तक ना चढ़ाता हो, उस शिवलिंग पर जाकर आप पूजन करिए। उज्जैन, अगर आप में से कोई 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में और 84 महादेव में अगर आया होगा तो उसको मालूम होगा कि एक बच्चे ने आकर एक प्रश्न किया था, गुरुजी हम राजस्थान से आए हैं और केवल आपसे मिलने के लिए आए हैं क्योंकि मेरा जॉब नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और उस बच्चे से उस उज्जैन की कथा में हमने इतना ही कहा था कि जहां तुम एग्जाम देने जा रहे हो वहां का कोई ऐसा शिवलिंग ढूंढ लो जहां पर कोई पानी तक नहीं चढ़ाता हो, जहां लोग रोज पूजन करने जाते हैं। अकेला शिव था वहां, तुम चले जाओ, यह तुम्हारा गांव नगर जिसमें तुम रह रहे हो वहां तुम चले जाओ। कई कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिवरात्रि पे मेला भरता है, कई कई मंदिर ऐसे हैं जहां लोग सावन के महीने में जाते हैं, बाकी के समय शंकर भगवान अकेले में बैठ के धुनी रमाते हैं। वहां तुम चले तो गुरुजी वहां जाकर करना क्या है? कुछ नहीं, केवल शंकर को जल चढ़ाओ, अष्टघन चंदन जो तुम लेकर गए हो उससे ओम बना दो, और ऊपर जो शिवलिंग रहता है आप लोग ध्यान देंगे, जो शिवलिंग का ऊपर वाला भाग है, यहां पिंडी का शिवलिंग के ऊपर का भाग, उस पर अपनी मनोकामना कर कर ओम बना दीजिए, नीचे त्रिपुंड बना दीजिए, एक बेलपत्री को गीला कर कर उस त्रिपुंड के ऊपर चिपका दीजिए, अपनी कामना कर कर आपको किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर आपकी मनोकामना मात्र 15 दिन में ही पूरी कर देंगे, किसी के आगे नहीं। शिव आराधना का तुरंत फल है, तुरंत। और ना माने तो मार्कंडे जी की कथा का स्मरण कर ले, ना माने तो मार्कंडे की कथा का स्मरण तो करें कि मृगशृंग ऋषि मुनि जिनकी धर्म पत्नी थी सुव्रता, जो भगवत भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे, भगवान के भजन में डूबे रहते थे, इन मृगशृंग ऋषि ने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा तप नहीं किया, बहुत बड़ी साधना नहीं की। महाराज कौन है ये? मार्कंडेय जी के दादाजी। बहुत बड़ी साधना नहीं करे, बहुत बड़ा तप नहीं करे, इन्होंने केवल अगर कुछ किया तो मंदिर में जाते थे भगवान शिव के और शंकर के मंदिर में जाकर बुआरी लगा देते थे, कहीं बैठकर शिव नाम का उच्चारण करते थे, किसी मंदिर में शंकर का गुणगान गाते थे, शादी हो गई सुव्रता आ गई घर में, वो भी भगवत भजन वाली थी, धर्म पत्नी अगर भगवान दे तो भगवान से विनती करना कि ऐसी देना जो भगवत भजन में डूबी रहे। क्यों?
पति भले भगवान का भजन न कर रहा हो, पति भले दान पुण्य न कर रहा हो, पति भले सत्कर्म ना कर रहा हो, पति भले व्रत ना कर रहा हो, पति भले कुछ भी ना करे, मंदिर तक ना जाए, पर उन पतियों से निवेदन है कि भगवान से विनती करना कि तुमको अगर पत्नी मिले तो भगवान से विनती करना कि दान पुण्य करने वाली, भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, सत्कर्म करने वाली हो। और कई लोग पत्नियां कैसे ढूंढते हैं बेटों के लिए कि बेटा का जैसा नेचर है उससे जुड़ी हुई चाहिए। महाराज लड़के से मेज खाती हुई तो चाहिए, तो लड़के से लड़की मेज खाती ढूंढो, हाई उम्र कटकाटी सब देखकर ढूंढो, पर निवेदन है लड़के की बुद्धि संकीर्तन में नहीं है, लड़के की बुद्धि भजन में नहीं है, लड़के की बुद्धि कथा में नहीं है, लड़के की बुद्धि दान में नहीं है, लड़के की बुद्धि मंदिर देवालय शिवालय तीर्थ में नहीं है। उसको तो हर दिन कहीं घूमने के लिए आगरा जाना है, कहीं गोवा जाना है, कहीं यहाँ जाना है, कहीं वहां जाना है। तो ऐसे लड़के के साथ अगर कोई लड़की ढूंढो तो भगवान से प्रार्थना करना कोई दान करने वाली, पुण्य करने वाली, सत्संग करने वाली, संकीर्तन करने वाली, भजन करने वाली ढूंढना। क्यों? किस लिए? मान लो लड़का दान पुण्य भजन कुछ नहीं करता, भूल से भी अगर इस बहू के मुंह से एक बार भगवान का नाम निकल जाएगा तो पति को भी बेकुंठ ले जाएगी, खुद भी चली जाएगी। खुद मान लो लड़के के मुंह से नहीं निकलता, क्योंकि आज के जमाने में लोग सुबह से शाम अपने दरवाजे पर जो गाड़ी लगी रहती है, हीरो की गाड़ी खड़ी रहती है, वो हीरो होंडा आदि का जितनी भी हीरो की गाड़ियां खड़ी हुई है, चाहे फोर व्हीलर हो चाहे टू व्हीलर हो, उसको लोग साफ तो कर रहे हैं, रोज उसको साफ कर कर सीट पे बैठ के जा रहे हैं, सीट बेल्ट भी लगा रहे हैं। पर निवेदन है हीरो की गाड़ी साफ करने से पहले अपने घर के हीरो को सवार मारो। समझ गए? सबसे पहले अपने घर के हीरो को सवार लो जो तुम्हारी औलाद है। भाई हीरो की गाड़ी किसी काम की नहीं अगर ये हीरो गड़बड़ हो गया तो, इसको सवार ना करना। अब पति कुछ भी हो, पति कैसा भी हो, परंतु धर्म पत्नी, तुम जितने भी पुराण उठाओगे आपको मालूम पड़ जाएगा, तुरंत उठा कर देगा। और एक धर्म पत्नी जिसकी धर्मात्मा नहीं निकली, एक धर्म पत्नी जिसकी पुण्यवान नहीं निकली, उसका भी चरित्र उठाकर देख ले। जरासंध का चरित्र, काल्यावन का चरित्र, चलो तो चलो आगे देखिए आप, वृंदा के पति जलंधर का चरित्र, तुलसी के पति शंखचूर्ण का चरित्र। शंखचूर्ण राक्षस था, पत्नी धर्मात्मा थी। जलंधर राक्षस था, पत्नी वृंदा धर्मात्मा थी। इनकी धर्म पत्नियों ने इनको परम पद दे दिया, भगवान का दर्शन करा दिया। और एक भगवान विष्णु का चरित्र उठाकर देख लो, जिनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी थी, जिसको फैशन से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अष्ट लक्ष्मी, महालक्ष्मी, लक्ष्मी स्वयं नारायण से कहती थी मेरे कारण तुम्हारी पूजन होती है, जिसको अभिमान से फुर्सत नहीं मिलती, जिसको सजने और सवरने से फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए पृथ्वी पर लक्ष्मी जी के मंदिर कहीं नहीं मिलेंगे तुमको ज्यादा। वो तो एकार कोई बना दे लक्ष्मी जी नारायण के साथ बैठी हो तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना दे, बात दूसरी। पर अकेली लक्ष्मी का मंदिर बहुत कम जगह पर होगा, बहुत कम। अकेली पार्वती का मंदिर तुम्हें जहां मिल जाएगा, देवी जी का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, शीतला माता का मंदिर, संतोषी माता का मंदिर, देवी का मंदिर तो कहीं पे भी मिल जाएगा, सरस्वती का मंदिर भी मिल जाएगा कहीं कहीं, पर सरस्वती का भी मंदिर बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर। लक्ष्मी का मंदिर कम मिलेगा, इंद्र की पत्नी इंद्राणी का मंदिर कम मिलेगा, बहुत कम, ना के बराबर। कारण क्या? क्योंकि ये लक्ष्मी के भीतर अभिमत्ता समा गई। भगवान से कह देती थी मेरे कारण तुम्हारी पूजन हो रही है, मेरे जो स्वयं भगवान विष्णु को श्राप दे देती है कि तुम्हारा सिर कटेगा और घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को श्राप लगा था इसलिए सिर कट के घोड़े का मुंह लगा था, हिग्री अवतार, ये पत्नी के कारण हुआ। इसलिए पहले की माताएं बड़ी चतुर होती थी महाराज, लड़के के लिए लड़की देख के आती थी तो उसका मुंह देखकर नहीं आती थी, पहले पांव गीला करवा कर उसको पत्थर पे चलवा के देखती थी, बोलो सही है कि गलत है।
उसको पांव गीला करवा के पत्थर पे चलवा के देखती थी। क्यों? पत्थर पे चलवा के देखती, अगर पत्थर पर गीला पांव पूरा जम जाए तो समझ लो लड़की पूरे घर को जमाएगी। अगर पांव को चलाते समय देखती और पांव में बीच में गैप दिख जाए तो समझ लो ये घर को भी पोला कर देगी। पहले के समय में मुंह नहीं देखते थे, पांव देखते थे। आज के जमाने में मुंडा देख के आ जाए, मुंह देख कर। और कई कई माताएं होती हैं जब मुंह देख कर आती हैं हमारे पास में, गुरुजी हमने कहा क्या है? गुरुजी हम हमारे लड़के की लड़की देख के आए, फोटो देखो कैसा है। हमने कहा बहुत बढ़िया गुरुजी, हम 12 लोग गए गुरुजी, लड़की के मुंह से आवाज नहीं निकली, इतनी बढ़िया, इतनी सीधी गुरुजी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। गुरुजी लड़की कैसी है? हमने कहा जी अभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे बोलेगी। कितनी कितनी मर्यादा थी साहब। पहले लड़के की शादी होती थी चाहे लड़की की शादी होती थी, लड़के के माँ बाप और लड़का नहीं नाचते थे, नृत्य नहीं करते थे। हिंदू धर्म में एक नकटोरा होता था, आपको याद होगा। जब बारात चली जाती थी, जब घर के लोग, घर में जो बचती थी नंदे बुआ वगैरह, कोई लड़का बनती कोई लड़की बनती, फिर वो रात को नृत्य करते। ध्यान है आप लोगों को? अरे बोलो तो आगरा वालों है ध्यान। पर जब वो चले जाती बारात तब वो नकटोरा करते थे, तब वो नृत्य आदि क्रम किया करते थे। अब आज के जमाने में क्यों नकटोरा करते थे? पहले के समय में क्योंकि वो लड़का जब चले जाता था, चले जाने के बाद में घर के जो बचे हुए लोग होते थे, चाहे सास हो चाहे ननंद हो, सब आपस में लीला करते थे, खुशियां मनाते थे, प्रसन्न चित्ता रखते थे। उसके जाने के बाद, उसके पहुंचने के बाद, उसका कारण केवल इतना सा रहता था